जय गुरु जी संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये शनिवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को एक बारी सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी, गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। आज लोहड़ी भी है, आप सबको हैप्पी लोहड़ी संगत जी। गुरु जी आज हम सबका कल्याण करने वाले हैं, सबको ब्लेस करने वाले हैं। तो अगर आपने थोड़े से भी सत्संग को मिस किया, थोड़ा सा भी सत्संग अगर आप बीच में छोड़ के चले गए संगत जी, तो आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी गुरु जी की, क्योंकि ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है। जो सत्संग को सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब रेणु आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रेणु गुरु जी की संगत में दिल्ली में रहती हूँ। सबसे पहले आपको हैप्पी लोहड़ी, लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। संगत जी बड़े मंदिर में, आज गुरु जी के बड़े मंदिर में मुझे जाने का मौका मिला। आज लोहड़ी वाले दिन मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में गई थी संगत जी, इतना अच्छा लगा वहां जाके। आज मैं आपको सब कुछ शेयर करूंगी जो आज संगत जी मैंने गुरु जी के दर्शन भी करे हैं बड़े मंदिर में, गुरु जी ने मेरे को ब्लेस भी करा है। संगत जी आज मैं एक एक बात शेयर करूंगी आपके साथ। आपको घर बैठे मैं ये बताऊंगी मतलब कि बड़े मंदिर का नजारा कैसा था आज। संगत जी आप सब तो नहीं जा पाए होंगे संगत जी, मुझे पता है कि बहुत सारी संगत ऐसी है जो बाहर रहती है, जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, पर संगत जी आज मुझे मौका मिला बड़े मंदिर जाने का, तो मैं तो आपके साथ एक एक बात शेयर करूंगी गुरु जी की कृपा से। हुआ क्या, मेरा संगत जी आज बड़े मंदिर जाने का ना कोई प्लान नहीं था, कोई ऐसा मन में था ही नहीं कि बड़े मंदिर में जाना है, है ना, दूर दूर तक नहीं था संगत जी ऐसा कोई। पर गुरु जी के बड़े मंदिर आज मेरे अंकल अचानक से मुझे कहते हैं, शाम को जब वो ऑफिस से आए ना, वो संगत जी 5 बजे आ जाते हैं रोज, 5 बजे वो आए अपने ऑफिस से, बैंक में जॉब करते हैं, आए संगत जी तो मुझे कहते हैं आज गुरु जी के बड़े मंदिर चलते हैं, बड़ा मन कर रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैं तो संगत जी वैसे ही घूमने फिरने वाली हूँ, मतलब कि घर से बाहर निकलो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे मार्केट हो, मैं तो वैसे ही घर से बाहर रह के खुश हूँ, घर में रह के खुश नहीं हूँ। संगत जी क्या हुआ, मतलब देखो आप, गुरु जी की ऐसी कृपा मेरे ऊपर हुई कि मुझे आज गुरु जी ने बड़े मंदिर में बुलाया, और इतना ही नहीं मेरे को ब्लेस भी करा, दर्शन भी दिए। दर्शन कैसे दिए, जैसे हम बड़े मंदिर पहुंचे संगत जी, आज बड़ा मतलब बहुत सारी संगत आई हुई थी आज, दूर दूर से भी काफी संगत थी बड़े मंदिर में, मतलब दिल्ली से बाहर से भी संगत आई हुई, क्योंकि संगत जी बहुत बड़ा दिन है ना लोहड़ी का, बहुत बड़ा दिन होता है ये, कोई ऐसा तो दिन है नहीं, बहुत बड़ा होता है दिन। और गुरु जी की अपार कृपा संगत जी सबके ऊपर होती है लोहड़ी वाले दिन। तो आज अभी तक आपने अगर सत्संग लाइक नहीं किया तो सत्संग को लाइक कर दीजिए। हुआ क्या, अब जैसे हम बड़े मंदिर में पहुंचे संगत जी, मेन गेट पे मैंने गुरु जी के दर्शन करे,
मुझे गुरुजी महाराज के लाइव दर्शन वहां पे हुए। संगत जी आज बड़े मंदिर की बात कर रही हूँ मैं आपसे। संगत जी झूठ मत समझना, मैं अभी भी मैं गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये तो देखो आज बड़े मंदिर जाना भी लिखा हुआ था, आज लोहड़ी भी है और आज मेरा सत्संग शेयर करना भी लिखा हुआ था संगत जी कि आज मैंने अपना लाइव सत्संग शेयर करना है, वो भी पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर। अब हुआ क्या संगत जी, हम जैसे अंदर जाने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि मेन गेट पे ना जैसे गुरु जी खड़े हुए हैं। अब वहां तो सेवादार अंकल थे, काफी देर बाद नंबर आया था, वो अलग बात है बड़े मंदिर में, मतलब मंदिर जाने का, क्योंकि काफी संगत थी तो सबका एक एक करके ही नंबर आता है ना, आप सब जानते हैं। तो मुझे अब ऐसे लगा जैसे गुरुजी खड़े हुए हैं। मैंने देखा संगत जी तो मुझे वो गुरुजी की तरह लग रहे थे अंकल। मैंने उनपे फिर ऐसा मतलब लगा कि नहीं नहीं गुरुजी कैसे हो सकते हैं, वो तो अंकल है सेवा कर रहे हैं अपनी। तो ऐसे मन में आ गई बात, आगे गए देखा संगत जी, जब ऐसे हम लोग टर्न करने लगे ना लेफ्ट साइड पे, तो मैं क्या देखती हूँ, मैं फिर दोबारा से देखती हूँ उन्हीं अंकल को, तो वो गुरुजी थे। पर संगत जी तब मैं वहां जा नहीं पाई वापिस, क्योंकि देखो ऐसे मतलब बहुत सारी संगत थी, तो एकदम से बीच में से लाइन को तोड़कर नहीं जाया जा सकता। मतलब आप हैरान हो जाओगे, मैंने अपने अंकल को भी बोली ये बात, मेरे अंकल तो मानने को तैयार ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं हो सकता ऐसे, वो गुरुजी नहीं हो सकते, तू झूठ बोल रही है, क्या करूं संगत जी। जब ये मैं जानती हूँ, मेरे दिल को पता है ना, मैं जानती हूँ मेरी आंखों धोखा नहीं दे सकती संगत जी, मेरी आंखें, मैंने गुरुजी को लाइव देखा है। आज लोहड़ी वाले दिन मुझे बहुत बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है, इतने अच्छे दर्शन हुए, इतना अच्छा प्रसाद मिला गुरुजी का, ब्लेसिंग वाला प्रसाद। हम घर आए संगत जी, बच्चों ने भी लिया प्रसाद, मतलब कि देखो इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी आपको सत्संग कैसा लगा ये वाला, प्लीज आप कॉमेंट करके बताना, लाइक कर दो, शेयर कर दो, नीचे बटन आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी लोहड़ी आप सबको, लोहड़ी की लख लख बधाइयां, हैप्पी लोहड़ी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना, हर सांस शुक्राना, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।